सब्सक्राइब कीजिए प्रिंस क्लासेज के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना तुरंत आपको मिले। आपके विविध प्रश्नमाला 4, ठीक है, इसमें आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण, सवाल नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, 7 तक इससे पहले बता दिए थे मैंने, ठीक है ना। देखो पहला सवाल इम्पोर्टेंट है, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां जो सवाल दे रखा है पीछे 11 तक, सारे के सारे सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। पिछली बार जो आए ना वो इन्हीं में से आए और 6 नंबर का सवाल आएगा, ये जो पीछे के प्रश्न है तो थोड़ा ध्यान से देखना, आराम से में आएगा तुम्हारे। असमीकाएं हैं, अब देखो असमीका क्या है, x ये जिन्हें माड या मॉड्यूल्स, या तो माड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छोटा है या बराबर है किसके, 3 के। अब देखो जैसे मैंने बताया था, अगर आपको ऐसे दो लाइन आ जाए खड़ी, या ऐसे माड या मॉड्यूल्स, तो इसका मतलब इसके अंदर की जो संख्या है ना वो या तो प्लस में हो सकती है या माइनस में, हम कह नहीं सकते, वो प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी। जैसे मान लो यार 4 इसके अंदर आ गया, अब 4 प्लस का भी हो सकता है और 4 माइनस का भी, हमें पता नहीं है। आपको क्या करना है, ये दो बार लेना है, एक बार तो लेना है प्लस में और एक बार लेना है माइनस में। एक बार तो लेना, देखो फर्स्ट स्टेप प्लस में लेंगे और सेकंड स्टेप माइनस में, ठीक है। अब देखो ये यहाँ प्लस x, अब प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, छोटा है या बराबर है किसके, 3। एक बार तो प्लस में ले लिया और एक बार किस में लेंगे, माइनस x, छोटा है या बराबर है किसके, 3 के, ठीक है बेटा। अब बताओ ऐसी कंडीशन में हम सबसे पहले क्या करते थे, इसे समीकरण के रूप में लिखते थे, क्या लिखेंगे, इसे समीकरण, समीकरण के रूप में लिखने, समीकरण के रूप में लिखेंगे। समीकरण के रूप में लिखने का मतलब ये है, इस जगह पर कैसा भी चिन्ह हो उस जगह बराबर लगाना है, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, x बराबर 3 हो गया। अब यहाँ बनाएंगे टेबल, और टेबल में हमें मान होता है x का और y का, x का और y का। अब देखो बेटा x का मान तो कितना है, 3। x का मान तो हर बार 3 है, ये 3 3 3। y का मान कुछ भी मानो जो तुम्हारी मर्जी हो, 1 2 3 ये मान लिया मैंने, ठीक है। अब ये दूसरी समीकरण, इसको भी ऐसे हल करना है। सबसे पहले इसे किस रूप में लिखेंगे, समीकरण, लाइन लिख देना यहाँ पर, इसे समीकरण के रूप में लिखने पर इस जगह कैसा भी चिन्ह क्या लगाना है, माइनस एक्स बराबर कितना हो गया, 3। अब देखो एक्स किस पर है, माइनस, ये दोनों तरफ माइनस का भाग दे दो या दोनों के चिन्ह चेंज कर दो, क्योंकि माइनस एक्स पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्स तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और 3 किसका हो जाएगा, माइनस का। अब बनाएंगे टेबल, बताओ टेबल में किस किस का मान चाहिए, एक्स और वाई का, कितने मान चाहिए, 3। एक्स का मान तो और बार कितना है, माइनस 3 माइनस 3। वाई का मान कुछ भी लिखो, 1 2 3। अब हो गया, अब बनाना है ग्राफ, मेन चीज तो वो है ग्राफ बनाना। देखो ये वाला तो अगर आप मान लो डायरेक्ट ये टेबल लिखो तो भी चलेगा, नंबर मिलेंगे आपको ग्राफ के, तो ग्राफ आपको सही से बनाना है। अब देखो एक तो बनेंगे खड़ी लाइन और एक बनाएंगे क्षैतिज यानी आडी लाइन, ये तो होता है वाई प्लस का और इधर होता है वाई माइनस का, एक्स इधर प्लस का और एक्स इधर माइनस का, एक्स इधर प्लस का और एक्स इधर माइनस का, ये डैश है ये भी डैश है, ठीक है। और यहाँ होता है सबका जीरो मूल बिंदु, ठीक है ना। अब उधर मोटी वाली लाइन से लिखना शुरू करना है, 1 2 3। अब देखो बेटा सबसे बड़ा मान कितना है, 3। तो 3 तक के लिए कोई ज्यादा फास्ट लिखने की जरूरत नहीं है, इधर भी 1 2 3, ऊपर भी 1 2 3, नीचे भी 1 2 3, ठीक है। अब देखो पहली टेबल दर्शाएंगे, वहाँ बताओ x का मान कितना है, 3। और y का मान, 1। मैंने बताया था अगर x का मान समान है तो उस 3 वाली लाइन पे खड़ी लाइन आ जाएगी। अब x का मान या -3 समान है, इस -3 पे खड़ी लाइन आ जाएगी, चाहे तो डायरेक्ट खींच दो, आने डायरेक्ट नहीं खींचो तो यहाँ देख लो, x का मान कितना, 3। ये रहा प्लस में, y का मान कितना, 1। ये रहा प्लस में, इधर से 3 के सामने और इधर से 1 के सामने। अब देखो x का मान कितना, 3। ये रहा, y का मान कितना, 2। ये रहा, इधर से 3 के सामने और इधर से 2 के सामने, x का मान कितना, 3। ये रहा, y का मान भी कितना, 3। ये रहा, इधर से 3 के सामने और इधर से भी 3। आगे ने लाइन खड़ी, मैंने कहा था अभी ये ऐसे लाइन आ जाएगी आपके, सही से आएगी, सही से बिंदु मिलेगी।
एक लाइन तो बन गई है। अब एक टेबल नंबर टू, x का मान कितना? ये x का माइनस तीन इधर होता है, y का मान कितना? एक। जैसे लाइन यहाँ बनी वैसे लाइन यहाँ बन जाएगी, सेम मान है। x का मान तीन, y का मान प्लस का एक, ये रहा, इधर से तीन के सामने और इधर से एक के सामने, ठीक है। अब दूसरा, x का मान कितना? माइनस, ये रहा माइनस तीन। y का मान कितना? दो, ये रहा दो। इधर से तीन के सामने, इधर से तो तीन के सामने और इधर से दो के सामने। अब दोनों का तीन तीन है, इधर से तीन के सामने और इधर से तीन के सामने, तो यहाँ पर ऐसे लाइन बन जाएगी। सही से बनेगी तुम्हारे, तुम जो बनाओगे ना सही से पूरी की पूरी तीन से होकर गुजरेगी, ठीक है। अब यहाँ ये तीर के निशान लगा देंगे। अब बनाना है, अब करनी है छाया, क्या करनी है? देखो मेन चीज है छायांकित करना। अब छायांकित करने के लिए मैंने बताया था, इसको पूरी को लाएंगे यहाँ पे। बताओ ये क्या है? एक्स मार्ड में है, छोटा है या बराबर है किसके? आगे एक्स हो चाहे वाई हो, कुछ भी हो, सबकी जगह क्या लिखना है? यहाँ इस पूरे की जगह आ जाएगा जीरो, यहाँ केवल ये वाला चिन्ह रखेंगे और यहाँ कितना? तीन। अगर ये बात सही है तो हम ग्राफ बनाएंगे मूल बिंदु की तरफ, अगर ये बात गलत है तो हम ग्राफ बनाएंगे मूल बिंदु से दूर। जीरो छोटा है तीन से, सही है क्या? सत्य है ना? अगर मान लो ऐसा समझ में नहीं आए, इसका मुंह चौड़ा है, इधर का मान बड़ा होना चाहिए, इधर का मुंह सकरा है, इधर का मान छोटा होना चाहिए, तो इधर का मान बड़ा है और इधर का मान क्या है, तो क्या लिखेंगे? यह समीकरण को संतुष्ट करती है, या लिखेंगे ये क्या है? सत्य है। ये बात क्या है? अगर बात सत्य है एक, तो ये मूल बिंदु है ना, इसकी तरफ बनेगा, मतलब अंदर अंदर, इधर से भी अंदर। अगर ये बात गलत होती तो मूल बिंदु से दूर, इधर भी बार बनता और इधर भी बार, सही है ना? इसलिए एक तीर यहाँ और एक तीर यहाँ, इधर भी एक तीर यहाँ और एक तीर यहाँ, और इस पूरे बार को पेंसिल से छायांकित कर देंगे। आगे समझे? उतारो फटाफट। देखो नवा सवाल, यहाँ भी आपको सवाल दे रखा है, असमीकाओं का आपको छायांकित मतलब छायाचित्र बनाना है, समुच्चय है ना उसको हल करना है। और जैसे 11वीं 12वीं में जाओगे ना तो टोटल यही चलेंगे आपके समुच्चय, ठीक है ना? तो थोड़ा ध्यान से समझो। सबसे पहले ये है, तो आपको ये समीकरण दे रखी है, क्या नाम है? 2x + 3y बड़ा है या बराबर है तीन के? समीकरण नहीं है ये, असमीका है। क्या है? अब इस असमीका को आपको लिखना होता है समीकरण के रूप में। क्या लिखेंगे? इसे समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने का मतलब क्या है? इस जगह पर कैसा भी चिन्ह, कौन सा चिन्ह लगाना है? यहाँ जाएगा 2x + 3y बराबर तीन। अब देखो इससे पहले वाले सवाल में इधर x अकेला ही था, इसलिए हमें उधर कोई भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर देखो यहाँ ऐसा, इधर या तो रखो x या रखो y, आगे पीछे यहाँ x रख लो, तो यहाँ क्या रह गया? 2x। ये 3y प्लस का किसमें जाएगा? 3 का तो 3 और माइनस का 3y। मान किसका ज्ञात करना है? गुणा है तो x बराबर 3 माइनस 3y बट्टा 2। अब जहाँ जहाँ लिखा है y वहाँ वहाँ लगाएंगे cos, कितनी बार? 3 बार। x बराबर 3 माइनस 3 cos बट्टा 2, x बराबर 3 माइनस 3 cos बट्टा 2, x बराबर 3 माइनस 3 cos बट्टा 2, ऐसा कितनी बार? 3 बार, क्योंकि हमें 3 मान चाहिए। अब पहला मान सोच कर बाकी मान जोड़कर, पहला मान सोच कर कैसे, मतलब यहाँ पर ऐसा मान लिखे इसको हल करने पर वो उसमें 2 का पूरी पूरी बार भाग चल जाए। अगर मैं यहाँ क्या रखूं? बताओ बेटा, 3 को 0 से गुणा किया तो 3, 3 में से 0 घटाओगे तो 3 ही बचेगा, और 3 में 2 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना, 0 रख सकते हैं क्या? नहीं। अब 0 नहीं रखेंगे कितना? 3 है कम, 3 में से 3 गया तो 0 में 2 का भाग जाता है, 1 रख सकते हैं। पहला मान सोच कर बाकी मान जोड़, 1 में 2 जोड़ा, 3 में 2 जोड़ा, आ गया। बताओ ये हमने किसकी जगह लिखा? पहले टेबल बना हुए ये ऐसे, अब टेबल में किस किस का मान चाहिए? x और y का। बताओ पहले ये y का रखा कितना? 1, फिर कितना, फिर कितना,
अब किसका मान चाहिए? कॉल करोगे किसका मान आएगा? अब देखो यहाँ तीन का तो तीन एकम तीन बट्टा तीन में तीन क्या बट्टा दो का भाग जीरो में जीरो बार आ गया। अभी देखो तीन का तो माइनस तीन तिया बट्टा बता बेटा तीन में से नौ गया छह किसका माइनस का छह बट्टा दो का भाग माइनस तीन भाग। अब ये देखो तीन का तो पांच तीन बट्टा तीन में से पंद्रह गया बारह किसका माइनस का बारह बट्टा दो और दो का भाग माइनस छह भाग। आगे सुनिए अब बताओ ये मान किसका आया? पहले आया जीरो फिर आया माइनस तीन और फिर आया माइनस बन गए टेबल। अब ग्राफ देखो इधर एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे ये तो कहलाएगा आपके एक्स अक्ष और ये कहलाएगा आपके वाई अक्ष। देखो एक्स इधर किसका माइनस का एक्स इधर किसका प्लस का वाई इधर किसकी प्लस की और वाई इधर किसका माइनस का। अब बताओ सबसे बड़ा मान कितना है? छह और छह भी किसमें माइनस इधर होता है। देखो यहाँ तो जीरो यहाँ एक दो तीन चार पाँच और यहाँ तक बढ़ा लेते हैं इसको और यहाँ कितना हो गया ये छह। ठीक है अब उधर भी लिख दो एक दो तीन चार पाँच छह एक दो तीन चार एक दो तीन चार पाँच छह। ठीक है अब बढ़ाते हैं बताओ बेटा एक्स का मान कितना ये रहा सबका जीरो ही वाई का मान कितना प्लस में माइनस में किधर जाएगा ऊपर ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है बताओ एक्स का मान कितना इधर है ये रहा माइनस तीन वाई का मान कितना प्लस का तीन किधर जाएगा ऊपर इधर से तीन के सामने और इधर से तीन के सामने इधर से तीन के सामने और इधर से तीन के सामने। एक्स का मान कितना ये रहा वाई का मान कितना ये रहा इधर से छह के सामने और इधर से आ गया वन टू थ्री और तीनों को स्केल की सहायता से मिला देंगे। मिला दिया अब मिला दिया तो यहाँ लगा देंगे तीर के निशान। अब करनी है छाया क्या करनी है इस पूरे समीकरण को लाओ क्या है दो एक्स प्लस तीन वाई बढ़ाई या बराबर है किसके तीन के इस पूरे की जगह क्या लिखेंगे जीरो और यहाँ ये बढ़ाए किससे बताओ सत्य असत्य सत्य कैसा है असत्य है ना। देखो चौड़ा वाला मुंह है बड़ी होनी चाहिए थी संख्या और सकरा वाला मुंह है तो छोटी होनी थी लेकिन उल्टा काम है तो कैसा है असत्य कैसा है असत्य है। तो ग्राफ मूल बिंदु से दूर मूल बिंदु से ये मूल बिंदु है इसे दूर उधर एक तीर यहाँ पर और एक तीर यहाँ पर इस पूरे को कर देंगे आगे सुनिए। Gracias.